आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, रेलवे में जल्द निकलेगी बंपर भर्तियां। रेलवे में 2,40,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी है। रेलवे में सभी जोन में ग्रुप सी पोस्ट में 2,48,895 पद खाली हैं, वहीं ग्रुप ए और ग्रुप बी में 2,070 पद खाली हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक बार फिर से। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी सबसे अपकमिंग वैकेंसी है और आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि आज तक यूट्यूब चैनल पर एक छोटा सा क्लिप 27-28 सेकंड का तकरीबन चलाया गया, जिसमें यह कहा गया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में यह कहा गया कि जल्द ही वैकेंसी आएगी और 2,48,000 से अधिक केवल सी ग्रेड के जो पोस्ट हैं रेलवे में अभी खाली हैं, उसमें 1.5 लाख प्लस पोस्ट जो हैं सेफ्टी कैटेगरी के, और सेफ्टी कैटेगरी के पदों में एएलपी टेक्नीशियन, जेई और आपका ट्रेन मैनेजर्स वगैरह का पोस्ट आता है। तो जल्द ही आपको जो सबसे अपकमिंग वैकेंसी है वो रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की ही है, और ये सबसे पहले अगर रेलवे में आपको अभी कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी तो यही वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी जो एएलपी टेक्नीशियन की आई हुई है वह 2018 में आई हुई थी, और इसके बाद आपको हो सकता है कि आरपीएफ की वैकेंसी भी कुछ मात्रा में आएगी और एनटीपीसी या ग्रुप डी की वैकेंसी भी थोड़ी थोड़ी कुछ मात्रा में हो सकता है कि आपको देखने को मिलेगी। तो सवाल यह है कि ये वैकेंसी जो अनाउंस किया गया है कि इतने पद खाली हैं, वैकेंसी आएगी कब तक, ये बड़ा सवाल है। तो पहले भी हमने आपको कहा है कि अक्टूबर नवंबर तक फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रहा है। काफ़ी अगर तेज़ी होता भी है, बहुत तेज़ी से काम किया भी जाता है, तो आपको नवंबर लास्ट या दिसंबर में वैकेंसी देखने को मिल सकता है, अन्यथा आपको नए साल में 2024 में जाकर के वैकेंसी देखने को मिलेगी। और एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी क्या होगी, कितनी संख्या में होगी, उसका आकलन अगर आपको बेहतर ढंग से करना है तो जीडीसीई के जितनी भी वैकेंसी जोन वाई आ रहे हैं उन सभी को कैलकुलेट करिएगा कि 25% सीट कितना है तो 100% कितना होगा, यानी उसका फिर 75% कितना होगा, उतना आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा या उससे थोड़े कम पदों पर वैकेंसी देखने को आपको मिलेगा। सारे जोन की अभी आई नहीं है जीडीसी की वैकेंसी, जैसे ही सारे जोन का आ जाता है तो हम सारे जोन का डाटा एक जगह कलेक्ट करके हम आपको बतलाने का पूरा प्रयास करेंगे कि कितनी वैकेंसी यहाँ से जीडीसी की थी तो कितनी वैकेंसी और यहाँ डीआर कोटा की बची हुई है जिस पर की डायरेक्ट वैकेंसी आनी है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, और अगर आपको किसी जोन में खास इंटरेस्ट है तो उस जोन की जीडीसी के आधार पर आप देख सकते हैं कि वहाँ क्या वैकेंसी रह सकती है और कितने पदों पर वैकेंसी रह सकती है। फिलहाल ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था कि वैकेंसी कब आएगी। खूब लगातार आप लोगों का कमेंट रहता है नई वैकेंसी, तो नई वैकेंसी फिलहाल आप ज़्यादा मजबूती से इस बात को मान सकते हैं कि इस साल काफ़ी कम संभावना है कि वैकेंसी आपको देखने को मिले। जनवरी फरवरी मार्च तक में आपको कभी भी अगले साल नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मिलेंगे फिर कोई अपडेट होगा इस प्रकार का, तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।